तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि कैसे ऑर्डर वगैरह के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि कैसे भाई ऑर्डर चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर से ऑर्डर भी वेरी हो जाता था। तो ओवरऑल हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि भाई स्टाइचोमेट्री चेंज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज होता है, बट स्टाइचोमेट्री चेंज करने से रेट कॉन्स्टेंट भी चेंज होता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, 2a + b टेंस टू गिव, 2a + b टेंस टू गिव प्रोडक्ट 2ab। मान लो ये सिंपल रिएक्शन उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो R1 बराबर उन्होंने दिया हुआ है, R1 बराबर हो जाएगा K1a2b1। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। तो और 4a + 2b टेंस टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो R2 बराबर हो जाएगा K2 a⁴ और b⁪। R2 बराबर हो जाएगा axby। ठीक है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, एंड बोला डिटरमाइन एक्स एंड वाई। ठीक है, अच्छा एक बात और बेटा, पहला रिएक्शन सिंपल है तो दूसरा रिएक्शन सिंपल है ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरे रिएक्शन का मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, स्टाइचोमेट्रिक चेंज किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि स्टाइचोमेट्रिक चेंज करने से ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ऑर्डर तो बेटा एज इट इज़ वही रहेगा। तो आप बोल सकते हो एक्स की वैल्यू अभी भी 2 रहेगी और वाई की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 1, बिकॉज दिस इज नॉट सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन मैंने सिर्फ पहला वाला रिएक्शन दिया है। तो अगर आप इसका स्टाइचोमेट्रिक भी चेंज करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये दिस इज नॉट सिंपल रिएक्शन। ओके, तो आप अभी भी x की वैल्यू 2 रखोगे और y की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। ठीक है, पहली बात। अब मुझे k1 k2 के बीच में रिलेशन डिराइव करना है, तो मुझे पता है r2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 da/dt। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और r1 को क्या लिख सकता हूँ, -1/2 da/dt, -1/2 da/dt ये लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना? ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, -1/2 da/dt को मैं, ये क्योंकि मेरा R1 है तो R1 किसके बराबर है, K1 a2 b⁻¹। और R2 किसके बराबर है, R2 है -1/4 da/dt k2 a2 और b⁻¹। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने R1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, R2 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो अब मुझे क्या देखने को मिलेगा, अब आप क्या कर सकते हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, लेट इट बी। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा, दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 × 4/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1/k2। तो ये हो जाएगा 2 times, तो k1 बराबर क्या हो जाएगा, twice of k2। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, k1 बराबर twice of k2 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता चलेगा कैसे स्टाइचोमेट्रिक चेंज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन में चेंज हो जाता है। जैसे सपोज करो twice of N2O5 ये आपका रिएक्शन है, 4 of NO2 + O2। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, लेट इसका जो रेट कॉन्स्टेंट है R = k N2O5⁻¹, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये। ठीक है, और उसने गिवन क्या दिया, -d(N2O5)/dt। ठीक है, इसकी वैल्यू उसने दी है k1 N2O5⁻¹। ठीक है, और दिया हुआ उसने +d(NO2)/dt, ये जो दिया हुआ उसने k2 N2O5⁻¹, मतलब ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस डी ऑफ ओ टू बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के थ्री एन टू ओ फाइव का पावर वन। चलो उसने ये दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, डिराइव रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। K1, K2 और K3 के बीच मुझे क्या करना पड़े, रिलेशन बताना, ठीक है। अब देखो फर्क क्या है, ये जो K है दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये जो K है ये है दिया हुआ आपका रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन, और ये जो K1, K2 और K3 है, K1 होगा रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन विद ऑफ N2O5, K2 होगा रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, और K3 जो होगा रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2। मतलब इन्होंने रिएक्टेंट का भी रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ विथ, मतलब रेट दिया हुआ विथ, और उनका रेट कॉन्स्टेंट भी दिया हुआ रिएक्टेंट का, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा सोचे, जब हम रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं और उनका उसका रेट कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है किसी भी सब्सटेंस का क्या हो सकता है, मेरा रेट कॉन्स्टेंट भी लिखा जा सकता है, किसी भी सब्सटेंस का पर्टिकुलर रेट कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट कॉन्स्टेंट और किसी और रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बहुत आसान है। मैं क्या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ वन बाई टू डी ऑफ N2O5 by dt is equal to plus 1 by 4 d of NO2 by dt or is equal to plus d of O2 by dt। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अब रेट ऑफ रिएक्शन का उसने किस फॉर्मेट में दिया हुआ, इस फॉर्मेट में दिया, तो R को मैं लिख सकता हूँ K N2O5 minus 1 by 2 d of N2O5, मतलब disappearance of N2O5 किसका, किसके बराबर दिया, K1 N2O5 के बराबर दिया, K1 N2O5 दिया हुआ है, और disappearance of NO2 किसके बराबर दिया हुआ, K2 1 by 4 N2O5 is equal to plus O2, मतलब K3 N2O5, ठीक है। N2O5 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो K को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं सिंपल एज इट इज़ लिख सकता हूँ। अच्छा माइनस भी आप माइनस तो यहाँ पे हटाई दो बेसिकली, क्योंकि माइनस के माइनस डी ऑफ एन टू फाइव पे के वन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा के वन बाई टू इज इक्वल टू के टू बाई फोर और इज इक्वल टू के थ्री। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब आपको ओवरऑल क्वेश्चंस कहानी समझ में क्या आ रही है कि भाई रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको आप किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट कांस्टेंट के बराबर कर दो, अगर उसका जो भी स्टोइकोमेट्रिक होगा उसको आप क्या कर दो, उससे डिवाइड कर दो, तो ये ओवरऑल रेट स्टोरी होती है। इसलिए क्या होता है, अगर आपने स्टोइकोमेट्रिक चेंज किया तो ऑब्वियस बात है रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस है ना। तो आप देख सकते हो रेट कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बोल सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 4 हो जाएगा तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, 4K, अगर 6 हो जाएगा तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, 6K। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ स्टोइकोमेट्री चेंज करने से रेट कॉन्स्टेंट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इन जनरल क्या लिख सकता हूँ मैं, इन जनरल रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट Relation between rate constant of reaction and rate constant of particular substance, rate constant of particular substance क्या होगा, of particular substance क्या होगा, आप ऐसा लिख सकते हो let AA plus BB टेंस टू गिव क्या है, कोई आपका प्रोडक्ट है, क्या है आपका प्रोडक्ट है, तो आप ऐसा लिख सकते हो के वन बाई ए इज इक्वल टू के टू बाई बी, के वन बाई बी आप ऐसे प्रोडक्ट की जगह ऐसे ही लिखो सी सी प्लस डी डी, तो के थ्री बाय सी इज इक्वल टू के फोर बाय डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, आई बात समझ में। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का अगर रेट कांस्टेंट दिया होगा उसके स्टोइकोमेट्री से उसको डिवाइड कर दो और उसको बराबर कर दो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन के। तो मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो बराबर होगा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट को मैं लिख सकता हूँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ
रिएक्शन, क्या मैं ऐसा लिखता हूँ, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट या पर्टिकुलर सब्सटेंस बराबर क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ये मान लो ये वैल्यू इधर चल जाएगी, तो मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ डी इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो उसी का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप सो आपको इतना बात समझ में आएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो सपोज करो 2a प्लस 3b टेंस टू गिव 5c, ठीक है, और r बराबर क्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ के a का पावर 1 और b का पावर माइनस 1, लेट इट बी, ये दिया हुआ है, और उसने क्या पूछा है, अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, बट मैं आपको ऐसा बता दे रहा, अगर मैं k डिफाइन करूँगा तो k कैसे डिफाइन करूँगा, k डिफाइन करूँगा मैं 2 इंटू के, k भी कैसे डिफाइन करूँगा मैं 3 इंटू के, और kc कैसे डिफाइन करूँगा 5 इंटू के। समझ में आ रही बात, अगर आपको किसी रिएक्शन का अगर मान लो अगर आपको रेट कॉन्स्टेंट पता है तो आपको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट कांस्टेंट निकालना, तो क्या करोगे उस टेस्ट के स्टोइकोमेट्रिक को आप रेट कांस्टेंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या पूछना चाहता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते, जो अब हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिया, हमने ये भी जान लिया कि भैया कि ऑर्डर को कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो हम क्योंकि अब हम मैंने क्या बोला, आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे ही चलेगा, तो पहले हम जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। आपका 99.9% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया और ना ही कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको कवर जरूर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की आखिर जीरो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, आखिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो लेट इट बी, मान लो जैसे मेरा ए टेंस टू गिव बी है, ठीक है, तो वही दो स्टेप हमेशा जो हम लिखते आ रहे हैं, टी जीरो बराबर क्या होगा ए नॉट, और यहाँ पे जीरो, और टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, मतलब दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है। तो ये हमने ऐसा कर लिया, मुझे पता है इनका रेट जो होगा आर बराबर क्या होगा के ए का पावर जीरो, मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, तो ये आपका जीरो ऑर्डर का क्या हो जाएगा पहला फॉर्मूला। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कभी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, आई बात समझ में। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड टाइम। देखो कंसंट्रेशन भी डिपेंड नहीं करेगा, और जब कंसंट्रेशन भी डिपेंड नहीं करेगा तो टाइम पे भी वो डिपेंड नहीं करेगा। आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के फॉर्मेट समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ए टी कैसे निकालते हैं, बी टी कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है, फुल लाइफ क्या होता है, ठीक है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी as well as
हाफ लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम ऑफ अबाउ रिएक्शन। ठीक है, मान लो आप बेसिकली आपको किसी भी ऑर्डर काइंड किसी भी जीरो किसी भी या जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर, आपको तीन चार ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। या बोलेगा भाई आपको भाई रिएक्शन ये चल रहा है जीरो ऑर्डर का, तो बताओ 20 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, या सब बोलेगा भाई 20 मिनट के बाद प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो वही होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी। या हो सकता है कि भैया लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन आगे बढ़ा अभी बताऊंगा मैं, हाफ लाइफ टाइम। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए हाफ लाइफ टाइम, किसी भी ऑर्डर का आपको हाफ लाइफ टाइम पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। आर बराबर क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर, रेट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, के बराबर होगी बराबर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर है, के। तो ऐसा लिख सकता हूँ माइनस डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी बराबर बेटा। अब ऐसा समझो, ऐसे समझो बात को, अच्छा इसको छोड़ो, ऐसे इसको ऐसे बेसिकली ऐसा पकड़ो, चलो ऐसे करता हूँ मैं। माइनस डी ए बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी बाई डी टी विद इन टाइम टी में कितने का चेंज हुआ, ये चेंज हुआ ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, इतने का चेंज हुआ इज इक्वल टू के। ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा, के बराबर हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करो जीरो से लेकर एक्स तक और इसको जीरो से लेकर टी तक, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, के टी के बराबर। आई बात समझे, दिस इज योर सेकेंड फार्मूला, दिस इज योर सेकेंड फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू के टी। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, और अगर आपको x की वैल्यू पता है इसका मतलब आप रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन पता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ए नॉट माइनस एक्स है भैया, और x की ए टी बराबर क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स, तो ए टी बराबर ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टी। तो दिस इज योर व्हाट प्रोडक्ट, दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। गौरतलब की बात यह है, ये किसको फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है, ये भी क्या रहेगी, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट का कंसर्न ऐसे ही इंक्रीज करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही इंक्रीज करेगा, स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज करता है। यही सबसे बड़ा फर्क होता है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, हर लाइन आपका कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट का लाइन हो या प्रोडक्ट का लाइन हो, भले इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रहेगा तो मतलब ऐसा रहेगा डिक्रीजिंग वाला तो रिएक्टेंट का, और ऐसा इंक्रीजिंग रहेगा तो प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझे पता है समय के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या फर्क होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है इसके बजाय वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल। मतलब वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। बस ये बहुत बड़ा मेजर फर्क हो जाता है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में। आई बात समझ में, अगर प्रेशर के टर्म में दो तो प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा बेटा, के टी हो जाएगा। पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा आपका, के टी। आई बात समझ में सबको आपको, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, बी टी बराबर, इसको मैं बी टी बराबर ही लिख दो, बेटर रहेगा, बी टी बराबर क्या हो जाएगा, के टी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या एक्स इक्वल टू के टी, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने बी टी के बराबर मानी थी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। इसको हम जो डिनोट करते हैं टी एल टी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, टी एल टी से, कैपिटल टी, आप कैपिटल टी लिख लो बेटर है, टी एल टी से डिनोट। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, देखो आपने कभी कभी देखा होगा अवार्ड्स वगैरह में कि जो बहुत सारे एक्टर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिया जाता है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मतलब होता है क्या, ये उन पर्सन्स को दिया जाता है या तो परलोक सुधार चुके हैं या तो उस फील्ड को छोड़ चुके हैं, मतलब उन्होंने अपना मतलब अपने जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है, बहुत चीज़ों को अचीव किया उन्होंने अपने उस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, इसलिए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब वो अपना एक्टिंग करियर खत्म कर चुके हैं, मतलब
मतलब हो चुका है उनका 100% एक्टिंग हो चुका है, करियर हो चुका है या मर चुके हैं। तो वही है कि जो टाइम पे रिएक्शन मेरा 100% कंप्लीट हो जाता है, जिस टाइम पे मेरा रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो टाइम इन विच 100% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, टाइम इन विच 100% ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एट टी एल टी। ठीक है, ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। मतलब बोल सकता हूँ एटी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तभी तो 100% जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये टी क्या हो जाएगा, एल टी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा, के टी एल टी। तो लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए नॉट बाय के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय के। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आएगा लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो उतना इम्पॉर्टेंट है। इसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, टी हाफ से, या इसको आप टी 50% से भी डिनोट कर सकते हो, टी 50% से भी डिनोट कर सकते हो। अब लाइफ टाइम मतलब 100% कंप्लीशन, तो हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या, 50%। तो इसका मतलब क्या होता है, टाइम इन विच रिएक्शन गेट्स 50% कंप्लीटेड, जिस टाइम पे 50% कंप्लीट हुआ होगा वही टाइम क्या होगा, मेरा हाफ लाइफ टाइम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एट हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, AT बराबर जो होगा वो ए नॉट बाई टू हो जाएगा। मतलब जितना कंसंट्रेशन लिया उस समय पे ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो AT बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टी हाफ। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो के टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू। क्योंकि जब ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू क्या बचेगा, ए नॉट बाई टू। इसका मतलब जो होगा कि फॉर्मूला आपका हाफ लाइफ टाइम का क्या बचेगा, फॉर्मूला आपका बनेगा ए नॉट बाय टू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या निकल रहा है, ए नॉट बाय टू के। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, गौरतलब की बात ये थी कि यहाँ समझने का पैटर्न क्या था, यहाँ समझना क्या था हमें। तो देखो इधर, जैसे सपोज करो मेरा यहां से जीरो से लेकर 100% तक, जीरो से लेकर क्या हो रहा है 100% तक टाइम है। तो मैं बोल रहा हूं यहां से यहां जो टाइम लग रहा है मुझे, टोटल टाइम लग रहा है ए नॉट बाय के लग रहा है मुझे, टोटल टाइम इस रिएक्शन में जो कंप्लीट करने में लग रहा है ए नॉट बाय के। और लेट यहां पे बीच में पॉइंट 50, तो मैं बोला अगर यहां से यहां ए नॉट बाय 2k लगेगा तो नेक्स्ट 50% में टाइम कितना लगेगा, ए नॉट बाय 2k ही लगेगा। तुम चीज़ें समझ पा रहे हो मैं कहने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बनता है कि भाई टोटल टाइम आपका ए नॉट बाय के है, तो पहले 50% ए नॉट बाय 2k लग रहा है तो उतना ही टाइम लगेगा अगले 50% में। मतलब ये आप ऐसा बोल सकते हो कि जीरो ऑर्डर में पहचाने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल पर्सन जो रिएक्ट करता हो इक्वल टाइम में रिएक्ट करे। कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन का 10% रिएक्ट हो रहा है 10 मिनट में, तो लास्ट का 90 से जो 100 कंप्लीट जो रिएक्शन होगा, मतलब लास्ट का जो 10% होगा वो भी 10 मिनट में ही कंप्लीट होगा। आई बस समझ में, मतलब इक्वल पर्सन रिएक्ट इन इक्वल टाइम, मतलब 10
जीरो से दस हुआ 10 मिनट में, तो 11 से 20 भी 10 मिनट में होगा, 21 से 30 भी 10 मिनट में होगा, और 91 से 100 भी जो कंप्लीट होगा, 91% से 100% जो रिएक्शन में जो टाइम लगेगा वो भी 10 मिनट में ही कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जीरो ऑर्डर में नहीं होता। क्यों बेटा? जीरो ऑर्डर वैसा रिएक्शन होता है ना जो जिंदगी भर कंप्लीट नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहता है। तो ये मेजर फर्क आ जाता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में। मतलब लाइक अगर मान लो अगर जीरो स्टार्टिंग के 10% का जो टाइम लग रहा है वो मान लो 10 मिनट है फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा मान के चलता हूँ कि स्टार्टिंग में जीरो पर ये जो हो रहा है मेरा स्टार्टिंग में जीरो से लेकर 10% तक जो रिएक्शन हो रहा है वो मान लो 10 मिनट में हो रहा है, तो 91 से 100 10 मिनट में ना वो कम से कम पता नहीं कितने टाइम लेके जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि वो इन्फाइनाइट टाइम तक चलते रहता है। इन्फाइनाइट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है बेटा, कभी भी वो कंप्लीट नहीं होता। जो आपके न्यूक्लियर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना बेटा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर, रेडियो एक्टिव डीके कितने समय तक, 2000 साल, कोई भी रेडियो एक्टिव डीके जो होता है 2000 साल तक डीके होता रहता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि इनका कोई पर्टिकुलर टाइम ही नहीं है, इन्फाइनाइट टाइम तक चलते रहती है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर आपका 100% कंप्लीट होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर आपका रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं, तो वो 99.9% तक आ गया तो हम उसको 100% मान लेते हैं, बट वो 100% कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब जो लास्ट के 10% का रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वो लास्ट के 10% में और भी ज़्यादा टाइम ले लेता है। समझ में आ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम पर रिएक्ट करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टाइम पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा इसमें और है डिग्री ऑफ डिसोसिएस। हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? अल्फा से। अल्फा मतलब क्या होता है बेटा? आपको पता है, ये पहले ही बताया मैंने, मोस्ट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा बराबर क्या होगा? आपने इनिशियल कितना लिया था? ए नॉट, और डिसोसिएट कितना हुआ? एक्स। तो दिस इज योर फॉर्मूला एक्स बाय ए नॉट, और एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स को मैं लिख सकता हूँ के टी, जो वैल्यू निकाली थी मैंने, डिवाइडेड बाय ए नॉट। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अल्फा। आई बात समझ में? तो ये आपके टोटल कुछ फॉर्मूले बने होंगे, मैंने काउंट नहीं किया है। ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स फार्मूला। तो टोटल जीरो ऑर्डर के कितने फार्मूला है? सिक्स फार्मूला। तो ये आपके फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए बेटा, और डोंट वरी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता, बस आपको पहचानना पड़ेगा ये फॉर्मूला लगाना कैसा है, ठीक है। कभी कभी इनके ग्राफ भी आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन एक ग्राफ है, एक ग्राफ है आपका रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। थर्ड ग्राफ है आपका मान लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ है आप लास्ट, चौथा ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप ग्राफ खुद से भी खींच सकते हो, आपको बस क्या पता होना चाहिए, आपको बस इक्वेशन पता होना चाहिए, वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये टोटल 6 ग्राफ है। ये जो ग्राफ है हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ होगा अल्फा वर्सेस टाइम, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस टाइम का। ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है,
दिस क्वेश्चन हैड आस्क्ड इन जेई, ठीक है। अच्छा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा रहेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आर बराबर क्या के रेट और कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंड ही नहीं करता। रेट वर्सेस टाइम का भी ग्राफ क्या रहेगा? स्ट्रेट, क्योंकि रेट यहाँ पे टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, जीरो ऑर्डर में। रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये कैसा रहेगा? ये कुछ ऐसा रहेगा, और ये इस पॉइंट को टच करेगा। ये इस पॉइंट का मतलब क्या होगा? TLT मतलब लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या रहेगा? ए नॉट। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या रहेगा? जीरो। और ये इक्वेशन किसको फॉलो करेगा? ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है AT ए नॉट माइनस KT। तो स्लोप यहाँ पे ग्राफ, यहाँ का ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्राफ स्लोप हो जाएगा K हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2013 में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा रहेगा? प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा रहेगा, क्योंकि BT बराबर क्या होता है? KT होता है। हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ बराबर क्या होता है? AT हाफ बराबर होता है ए नॉट बाय 2K। इसका मतलब कैसा रहेगा ग्राफ? ऐसा रहेगा, टी हाफ का फॉर्मूला क्या रहता है? ए नॉट बाय 2K रहता है। तो आप देख रहे हो स्लोप y इक्वल टू mx, और स्लोप इसका क्या हो जाएगा? इसका जो स्लोप आ जाता है 1/2K स्लोप आ जाता है। क्या स्लोप आ जाता है? 1/2K स्लोप आ जाता है, ठीक है। अल्फा वर्सेस टाइम का कैसा रहता है? अल्फा वर्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या निकाला था मैंने? अल्फा बराबर क्या होता है? KT/A0। क्या होता है? KT/A0। तो अल्फा और टाइम का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। लेकिन ये इस पॉइंट से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि हाईएस्ट अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो ये यहीं पे तक रहेगा। आई बात समझ सबको? हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? KT/A0। अच्छा, ये पॉइंट अगर अल्फा 1 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होना चाहिए? ये पॉइंट होगा TLT होगा। क्या हो जाएगा? लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, A0/K। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगे। ठीक है, तो ये टाइम अगर रिप्रेजेंट करो, क्योंकि अल्फा 1 तब हो सकता है जब लाइफ टाइम क्या हो मेरा 100%, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमने सारे डिस्कशन कर लिया, जीरो ऑर्डर पे होता है क्या, आखिर जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उनके ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे कौन से जीरो ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। मैं बच्चों को बार बार बोलता, देखो 11th में NCERT मत पढ़ो चलता, लेकिन 12th में NCERT पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जीरो ऑर्डर के एग्जांपल क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल क्या होते हैं। तो प्लीज़ इट्स माय सजेशन टू यू कि जो भी NCERT में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल दिए उनको याद रखिए। बेसिकली जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होते हैं वो आपके क्या होता है, जीरो ऑर्डर, ऐसे जैसे फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल या दही जमाना, ये क्या होता है? जीरो ऑर्डर होता है। आप खुद से सोचो, आप जब दही जमाते हो, चाहे आप इतना सा दही लो या इतना सा दही लो, दही तो उतने ही टाइम पे जमेगा, बरोबर। दूध में जब हम दही मिक्स करते हैं कर्ड बनाने के लिए, तो कर्ड चाहे इतना अमाउंट लो या इतना, वो कर्ड मतलब जो फर्मेंटेशन होता है दूध का, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, वो जितने टाइम पे होना उतने टाइम पे ही होगा, बराबर। तो आप इतना दही लो इतना दही लो, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। पहला है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? HMU पे डिपेंड करता है। फोटोकेमिकल मतलब HMU पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, H2+Cl2 टेंस टू गिव HMU ट्वाइस ऑफ HCl, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो HMU पे डिपेंड करेगा, कितने फोटॉन्स आप डालो, जितना फोटॉन्स डालोगे उतना ज़्यादा रिएक्शन स्पीड बढ़ेगा। दैट इज़ वाई इनका रेट क्या होता है, KH2 का पावर 0 और Cl2 का पावर 0, ठीक है। सेकेंड जो है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर होते हैं, ठीक है। थर्ड जो हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ गैसेस, याद करो कल ही बताया मैंने, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर पे अगर कोई गैस का डिसोसिएशन हो रहा है, तो भी वो मेरा क्या होता है, जीरो ऑर्डर होता है। याद होगा आपको ट्वाइस ऑफ NH3
टेंस टू गिव एन टू प्लस थ्री एच टू, ठीक है। और आप इसमें कोई भी स्टैचोमेट्रिक का रिएक्शन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हाई प्रेशर पे तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। देखो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीरो ऑर्डर के, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने एग्जांपल पढ़ लिया जीरो ऑर्डर क्या होता है भाई, उनमें फलाना फलाना चीज क्या होता है वो भी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे क्या कि अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके, तो वो भी हम सीख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द ये होगा कि आज का लेक्चर शायद तुम लोग जेई और नीट मोस्ट प्रोबेबली दोनों सेम जाएगा, क्योंकि आज ऑलमोस्ट थ्योरी ही है। न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा वो हम शायद कल करेंगे, तो आज मैं पूरा थ्योरी कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। या हो सकेगा देख, इट डिपेंड ऑन माय मूड, अगर आज के मुझे ज़रूरत लगे कि आज ही न्यूमेरिकल करना है तो आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट characteristics of zero order reaction, some important characteristics of zero order reaction। तो पहला important characteristics आप तो अभी बता दिया कि भैया zero order में सबसे important characteristics होता है equal percentage, equal time में react करता है, तो equal percent of reaction पहला क्या है, equal percentage of रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपने 100 लिया, 10% रिएक्ट कर रहा है मान लो 10 मिनट में, तो यहाँ 90 बनेगा, अगला 10% भी 10 मिनट में, मतलब यहाँ 80 बचेगा, 10% 10 मिनट में यहाँ 70 बचेगा, और धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हमेशा इक्वल परसेंट रिएक्ट करता है इक्वल टाइम इंटरवल पे, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट सबसे कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड जो है कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो बताता हूं, इसमें लिख देता हूं पहले, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन ए पी। कहने का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट बचता है ना मेरा, जैसे 100 से 90 गया, 90 से 80 गया, 80 से 70 गया, तो 90, 80 और 70 जो बच रहे हैं, मतलब जो कंसंट्रेशन मेरा बच रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, वो उनका रिलेशन आपस में ए पी का रहता है, क्या रहता है, ए पी का रहता है। जैसे सपोज करो टी इक्वल टू जीरो पे ए नॉट था, तो टी इक्वल टू टी पे कितना होगा, ए नॉट माइनस के टी बचेगा, t इक्वल टू टू टी पे कितना बचेगा, a नॉट माइनस टू के टी बचेगा, t इक्वल टू थ्री टी पे क्या बचेगा, a नॉट माइनस थ्री के टी बचेगा। तो आप देख रहे हो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, सबका कॉमन डिफरेंस है मेरा के टी डिफरेंस है, देखो दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस कितना रहेगा, के टी रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मतलब पहचानने का अलग, ये भी एक तरीका होता है कि जीरो ऑर्डर में जो रहता है, जो कंसंट्रेशन टाइम मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी जो बच जाता है, वो उनका आपस में रिलेशन ए पी में होता है। यही फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाता है, जी पी हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, ये ए पी के फॉर्मेट में रहता है और वो जी पी के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हाफ लाइफ टाइम depends on initial concentration of reactant। ये भी एक important part है zero order का, zero order first order बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत important है। maximum question तुम्हारे कहाँ से आएंगे, या तो zero order first order से आएगा, या तो RNA equation से आता है, इसके अलावा chemical kinetics में कोई दूसरा important part नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना है, हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर का होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कभी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थी, ठीक है। चलो आज एक काम करते, न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, द पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड
पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट एंड 40% एंड 40% इन 40 मिनट 40% इन 40 मिनट डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ठीक है। अच्छा एक बात और, कभी भी आपको केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर वगैरह निकालने बोलेगा तो बिलीव मी आप पहले हमेशा फॉर्मूला लगाना फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़े हो तो बस फिलहाल के लिए आप तो जीरो ऑर्डर का लगाओगे, लेकिन हमेशा पहला फॉर्मूला ट्राई करना फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर से ही रहते हैं। ठीक है, तो मैंने माना ए नॉट मेरा 100 है। कितना है मेरा ए नॉट? 100 है। तो पहले 20 मिनट पे टी इक्वल टू जब मेरा 20 था तो ए नॉट माइनस के टी, ए टी बराबर क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस के टी, ये होगा मेरा। तो मतलब बच कितना आ रहा है? बच देखो पहले 20 मिनट में वो 20% रिएक्ट कर रहा, मतलब यहाँ पे बचेगा 80 100 माइनस के इंटू 20। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी, वट एवर जो भी के की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप देख सकते हो, अगले 40 मिनट के लिए भी देख लो। 40 मिनट के लिए अगर मैं देखूँ तो 80 बराबर तो कितना हो जाएगा? 60। तो इसको 60 को बराबर किससे करोगे? 100 माइनस के इंटू 40, इसका मतलब के इज इक्वल टू 1। इसका मतलब दोनों फॉर्मूला लगाने पर, दोनों टाइम पे फॉर्मूला लगाने पर अगर के की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर के की वैल्यू डिफरेंट आ जाती तब आप दूसरा फॉर्मूला लगाते थे, मतलब आप फर्स्ट ऑर्डर को तैयार करते थे। ठीक है, तो हमेशा कभी भी ऑर्डर वगैरह पूछा जाए आपको, गिवन डाटा और आपको पूछा भाई ऑर्डर वगैरह क्या है, तो पहले आप ट्राई कर लो फॉर्मूला लगा के कि उसमें के की वैल्यू निकालो। अगर दोनों टाइम इंटरवल पे के की वैल्यू सेम आ रही है, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला लगाने पर, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाने पर के की वैल्यू सेम आ रही है दोनों टाइम इंटरवल पे, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर होगा। अगर दोनों टाइम इंटरवल पे के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, टाइम इंटरवल के बाद रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करती रेट। अगर ये जीरो ऑर्डर होगा तो हर टाइम पे के की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आई होप सो, इस मेथड को हम HNT मेथड बोलते हैं। आप मैथ्स वगैरह में बहुत बार अप्लाई करते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम वही बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो आपके मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं या नीट वगैरह में आते हैं सबके क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 3A टेंस टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा? K ऑफ A नॉट। ठीक है, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम टी। ठीक है, आपको 80 निकालने बोला है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? इसलिए बोल रहा हूँ, देखो 3A आपको दे रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो टाइम टी जीरो पे, लेट इट बी ए नॉट था तो ये जीरो था, और टाइम टी पे ये मान लो ए नॉट माइनस 3x था, और ये क्या था? एक्स था। और मुझे पता है आर बराबर क्या होता है? -1/3 dA/dt। जो डेरिवेशन किया था वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का, वो आपको दिमाग में होना चाहिए हमेशा। इसका एक रीज़न है, कभी कभी क्या होता है डेरिवेशन, बहुत सारे क्वेश्चन डेरिवेशन से भी बनते हैं और कुछ, और बोर्ड पैटर्न बोर्ड पे तो आपसे पूछा ही जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? के इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? के बराबर होगा ये। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो अब ऐसा समझो, आर बराबर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? -1/3 a0 - 3x - d by dt a0 - 3x - a0 = क्या हो जाएगा? कि a0 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ रहा है? dx/dt। क्यों? 3 और 3 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के ही आ रहा है, तो इज इक्वल टू के आएगा। इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा? kt आ जाएगा मेरा। तो इसका मतलब at बराबर क्या हो जाएगा? a0 - 3x है तो 3kt क्या हो जाएगा? 3kt। आई बात समझ में? तो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे 3k क्या है? अगर मैं रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट लिखूँ तो वो किसके बराबर है? 3 × रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो इट डिपेंड कि वो क्या दिया हुआ, हो सकता है आपको आंसर इस फॉर्मेट में देगा a0 माइनस
KAT, तो ये आंसर भी सही था, ये आंसर भी सही है क्योंकि उसने यहाँ रेट कांस्टेंट ऑफ ए लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे इसने किसका रेट कांस्टेंट लिया, रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट लिया, यहाँ पे जो मैंने के लिया है वो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिया, यहाँ मैंने रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट लिया, यहाँ मैंने रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लोगे तो आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ रिएक्टेंट का लोगे तो दैट सिंपल आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आई होप सो ये आपको फर्क समझ में आ गया हो कि आंसर दोनों पैटर्न पे हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा। तो आंसर मेरा दोनों सही है, अगर उसने रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हो तो 3 के मल्टीप्लाई करोगे, और क्योंकि यहाँ पे एक ही बात हो रहा है, अगर दूसरा कोई होता तो मान लो 2 भी रहता तो 2KT होता था यहाँ पे। तो आई होप आप समझ पा रहे होगा कि यहाँ पे मैं रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। अगर रिएक्शन का लोगे तो आप इसके स्टोइकोमेट्री से यहाँ मल्टीप्लाई करना भूलना मत, क्योंकि आप डेरिवेशन में भी देख लो, क्योंकि डेरिवेशन में x की वैल्यू KT आई है, और यहाँ पे मैंने x और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी कितना माना मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी a0 - 3x, तो 3KT आएगा। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, 2-4 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैक्सिमम बोल तो रहा हूँ मैं 90% क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहता है, जीरो ऑर्डर में बाय लकीली कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन पढ़ना हमें दोनों है, हमें भरोसा नहीं, क्या पता जीरो ऑर्डर पे ही क्वेश्चन बना दे, लेकिन हमें याद तीनों चीजें रखनी है, ठीक है। ठीक है, जस्ट सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/2a टेंस टू गिव प्रोडक्ट, 5/2a क्या दिया आपको, प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक मिनट जस्ट, हाँ फाइव बाई टू ए प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, और रेट का उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ के ऑफ ए नॉट दिया हुआ, ठीक है। पूछा क्या, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, ठीक है, ये आपको पूछा उसने। अब देखो उसने हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन नहीं बोला, उसने क्या पूछा, सिर्फ रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम बताओ, तो रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम बताने के लिए टी हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के किसी भी रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट बाय 2K, तो दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आपने क्या किया, आप अगर रिएक्शन का पूछा होता कि भाई कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखते थे, के लिखते थे, लेकिन उसने क्या पूछा, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे मैंने अगर रिएक्टेंट का पूछा तो यहाँ पे के भी आप किसका यूज करोगे, रिएक्टेंट का यूज करोगे, एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा आप इसको बदल भी सकते हैं 2/k, और के को मैं के को क्या लिख सकता हूँ, 5/2 × k, दिस और दिस कैंसल, तो दोनों आंसर सही है। मतलब अगर आप बोलोगे सर कि अगर रिएक्टेंट के फॉर्मेट में लिखना हो तो 2K हो जाएगा, और मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मेट में लिखना हो तो 2K आंसर होगा सिंपल सा, और अगर आपको रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना हो तो आपका 5K हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, के को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो डिपेंड ऑन द आपका MCQ में आपसे क्या पूछा है, ये टोटली उसी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो अब और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a + 2b, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो r बराबर क्या दिया हुआ उन्होंने, के a का पावर 0 और b का पावर 0, मतलब ये तो समझ में आ गया, रेट ला एक्सप्रेशन से आपको समझ में आया कि दिस इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। t = 0 पे ये a दिया हुआ है और ये दिया हुआ है b, ठीक है, और ये 0। t = t पे दिया हुआ a - x दिया हुआ और b - 2x दिया हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ है k जो वट एवर जो जो x बन गया, लेटेड भी x बन गया। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b आफ्टर टाइम t as well as half life
टाइम ऑफ ए एंड बी. आपको क्या पूछा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी आफ्टर टाइम टी पूछा, और आपसे क्या पूछा है? हाफ लाइफ टाइम ए और बी का. रिएक्शन का नहीं पूछा, उसने रिएक्टेंट का पूछा है. तो कुछ नहीं, सिंपल सा कैसे सॉल्व करेंगे देखो. ए प्लस टू बी टेंस टू गिव क्या दिया आपको? प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है. टी इक्वल टू जीरो पे ये ए था और ये बी था, और टी इक्वल टू टू पे मुझे क्या ऑब्जर्व मिल रहा है? ए माइनस एक्स मिल रहा है और बी माइनस टू एक्स मिल रहा है, ठीक है. तो मैं बोल सकता हूँ ए टी का जो कंसंट्रेशन होगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है. अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय टू डी बी बाय डी टी, और इज इक्वल टू क्या मैं के बराबर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. तो इन सब को सॉल्व करने पर x बराबर के टी आएगा, चाहे आप कितना भी लगा लो x बराबर के टी आता है. ये हमने देखा जीरो ऑर्डर में ये फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, x बराबर के टी ही रहेगा. तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा? ए टी बराबर हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा, और बी टी बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, ए माइनस के टी हो जाएगा, बी टी बराबर बी माइनस टू के टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा टू एक्स है यहाँ पे. आई बात समझ में? तो ये हो, आई होप आपको समझ में आएगा. तो पहला आंसर तो मुझे समझ में आ गया कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी और कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, तो ए नॉट माइनस के टी और बी नॉट बी टी बराबर क्या हो जाएगा? बी माइनस टू के टी. अगर मैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ए बाय टू के, और हाफ लाइफ टाइम ऑफ बी की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट क्यों लिख रहा हूँ, ए लिखूंगा, बी बाय टू के बी. तो ये चीज आपको समझ में आया? तो ये तो एज इट इज रहेगा. तो ए हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, अगर मैं रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की बात कर रहा हूं तो ए बाय टू के होगा, लेकिन हाफ लाइफ टाइम ऑफ बी की बात करूं तो ये क्या होगा? बी बाय फोर के हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फोर के, ठीक है. देखो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या आ जाता है, इसी में इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन ए एंड बी. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. हाँ, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन ए एंड बी, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए और बी क्या है मेरे? इक्वल है. तो कहने का मतलब यह है कि दोनों का हाफ लाइफ टाइम इक्वल है तो क्या कंडीशन होगा? तो पहले हाफ लाइफ टाइम इक्वल कर दो तो ए बाई टू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाय फोर के हो जाएगा. के और क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा. तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी बाय टू हो जाएगा. ए बराबर क्या हो जाएगा? बी बाय टू हो जाएगा. तो मतलब मैं लिख सकता हूँ बी बराबर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा. इसका मतलब ये हो जाएगा, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए बाय बी जो होगा, ए बाय बी मेरा क्या होगा? वन बाय टू होगा. आप ऐसा भी बोल सकते हो. इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी भी, देखो इससे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, इससे कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि हाफ लाइफ टाइम किसी भी रिएक्टेंट का इक्वल तब हो सकता है जब वो अपने स्टाइचोमेट्रिक रेशियो में क्या हो? प्रेजेंट हो. मतलब मैं बोल सकता हूँ हाफ लाइफ टाइम ऑफ ईच रिएक्टेंट इज विल बी इक्वल ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन देयर स्टाइचोमेट्रिक रेशियो, ठीक है. और हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन ओनली डिफाइंड व्हेन ऑल द रिएक्टेंट आर इन द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टाइचोमेट्रिक रेशियो. तो ये बात समझ में? दो रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम इक्वल तब हो सकता है जब वो अपने स्टाइचोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट हो, या हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन जब तभी डिफाइन कर सकते हैं जब सारे रिएक्टेंट अपने स्टाइचोमेट्रिक रेशियो में क्या हो? प्रेजेंट हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको मैं नोट बना के लिख देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए. पहला क्या है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ ईच रिएक्टेंट, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ईच रिएक्टेंट, देखो दोनों का हाफ लाइफ टाइम तभी बराबर है जब दोनों का एक्चुअली ए और बी क्या है? ए और बी उनके कंसंट्रेशन का रेशियो है. ए और बी क्या है? उनके इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब उनके इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो
उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा, तब दोनों के हाफ लाइफ टाइम हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब दुनिया में अगर आप कोई भी रिएक्शन करवा लो, ठीक है, अगर उन अगर चार रिएक्टेंट है और चारों का रिएक्टेंट का रेशियो उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर है, तो हमेशा हर रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, बराबर होगा। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ ईच रिएक्टेंट विल बी इक्वल ओनली when their concentration is present in their stoichiometric रेशियो। जब उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर उनका कंसंट्रेशन होता है, मतलब उनका इस कंसंट्रेशन का रेशियो उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा, तभी उनका क्या हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, क्या हाफ लाइफ टाइम बराबर हो सकता है। और हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन तभी आप डिफाइन कर सकते हो जब सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के हो। तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन is defined only when all the reactant are in their stoichiometric ratio। आप रिएक्शन का भी हाफ लाइफ टाइम, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर ओनली, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा। तो आपको जीरो ऑर्डर में ये बात समझनी पड़ेगी। हाफ लाइफ टाइम किसी भी रिएक्टेंट का बराबर तब हो सकता है जब उनका कंसंट्रेशन का रेशियो उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर हो। और हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन का तभी आप डिफाइन कर सकते हो जब रिएक्टेंट अपने ओरिजिनल स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट हो, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको जो थ्योरेटिकल पॉइंट था वो सारा समझ में आ गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जीरो ऑर्डर का, फिर हम खत्म करते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छे लेवल का, ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका 2a plus b टेंस टू गिव प्रोडक्ट। मान लो ये आपको प्रोडक्ट दे रहा है, जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसी को मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जिसका रेट एक्सप्रेशन है के ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, मतलब ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, ओके, नहीं सॉरी, दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, लेट इट बी। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बेटर अच्छा समझने के लिए। डिकम्पोजिशन ऑफ तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्टेंट का हाफ लाइफ तभी आप बराबर कर सकते हो जब उनका कंसंट्रेशन का रेशियो उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, और रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम तब डिफाइन कर सकते हो जब रिएक्टेंट अपने स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ CL2O7 गैस लाइक, भाई इनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है, CL2O7 गैस ये जो टूटेगा, ये टूटेगा ट्वाइस ऑफ CLO2 प्लस 3/2O2 ट्वाइस ऑफ CLO। सो बेटा दिस इज द क्वेश्चन कि डिकम्पोजिशन ऑफ CL2O7 गैस डिसोसिएट हो रहा है इस तरीके से, जिसका पी नॉट वैल्यू दिया हुआ है माइनस डी ऑफ CL2O7/dt इतना दिया हुआ है। तो उसने भाई क्या बोला, कैलकुलेट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन निकालना CL2O7 का, और रेट ऑफ रिएक्शन और CL2O7 इसका निकालना, अगर आपने स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और उसने बोला टोटल प्रेशर है 10
10 इक्वल टू टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड। तो लेट इट बी, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो Cl2O7 tends to give twice of ClO2 plus 3/2 O2। मान लो कुछ ऐसा रिएक्शन है, मगर मैं रेट डिफाइन करूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, माइनस डी ऑफ Cl2O7/dt इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे निकालना क्या है, पहले रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओ टू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो डजेंट मैटर क्योंकि हर समय पे क्या होगा, इक्वल टाइम पे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/3 डी ऑफ ओ टू बाई डी टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या चाहिए और मुझे पता है ये बराबर क्या होगा, 1/2 डी ऑफ ClO2/dt और ये किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, K। इसका मतलब अगर आपको K का वैल्यू पता है तो आप ये वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो कोई नहीं। T इक्वल टू 2 सेकेंड पे लेट इनिशियली ये P नॉट था, T इक्वल टू 0 पे ये P नॉट था, तब ये 0 0। T इक्वल टू 2 सेकेंड पे P नॉट माइनस XP मान लेता हूँ, तो ये 2P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3/2P। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है डी ऑफ ओ टू बाई डी टी मुझे निकालना आफ्टर 2 सेकेंड। क्या निकालना, आफ्टर 2 सेकेंड पे। तो थोड़ा बात को समझो, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, माइनस डी ऑफ सी एल टू ओ सेवन बाई डी टी को मैं बराबर कर सकता हूँ 2/3 डी ऑफ ओ टू बाई डी टी। कैसा कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, इजाज़त भी है मुझे ऐसा करने की। आप ये मैंने क्यों लिखा, इसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए और डी ऑफ सी एल टू ओ सेवन बाई डी टी कितना दिया, 50 दिया हुआ है, तो इसका डी ऑफ ओ टू बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 × 50, मतलब कितना हो जाएगा 75। 50 बाय मतलब कितना हो जाएगा ये 25, मतलब 75 mmHg बराबर। क्योंकि जब आपको ये वैल्यू पता है तो ये वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, वो टाइम कुछ भी, वो टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इक्वल टाइम पे इक्वल परसेंट की रिएक्ट ही करेंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया डी ऑफ ओ टू बाई डी टी, क्योंकि डी ऑफ सी एल टू ओ सेवन बाई डी टी मुझे दिया हुआ था। तो पहला रिएक्शन मेरा खत्म हो गया। दूसरा उसने क्या पूछा, हाफ लाइफ। मुझे पता आर बराबर क्या होगा, के ऑफ सी एल टू ओ सेवन बाय जीरो ये होगा। ठीक है, ये तो जीरो है। अब R की वैल्यू का, R को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी ऑफ सी एल टू ओ सेवन। आर को किसके बराबर लिख सकता हूँ, R को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ और बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। और इसकी वैल्यू उसने दी हुई कितनी, 50, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 mmHg। तो ये मेरा सेकेंड का भी आंसर खत्म हो गया। थर्ड का क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है अगर ये मेरा इस तरीके से चलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, twice of Cl2O7 4ClO2 plus 3O2। इसका आपको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। ठीक है, इसका रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। अच्छा एक बात और, थर्ड में सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ मैंने हाफ लाइफ नहीं निकाला, तो हाफ लाइफ बराबर क्या हो जाएगा, A0/2K। और इनिशियल प्रेशर उसने क्या दिया, हालांकि पी नॉट बोलूंगा मैं यहाँ पे, लिखूंगा P0/2K क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं दिया उसने, प्रेशर दिया हुआ है। तो पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 600/2 × 50। तो दिस और दिस कैंसल, मतलब 6 मिनट क्या हो जाएगा आपका, 6 मिनट आपका हो जाएगा ये 6 सेकेंड है कि मिनट है, एक मिनट सॉरी हाँ सेकेंड में आएगा 75, क्योंकि ये जो आ रहा है पर सेकेंड में आंसर आ रहा है, तो ये सेकेंड का ही आंसर होगा। सॉरी माय मिस्टेक, सेकेंड में ही आपका आंसर आएगा, 6 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उसने क्या बोला है, थर्ड ये सेकेंड क्वेश्चन था मेरा, थर्ड क्वेश्चन उसने बोला ट्वाइस ऑफ सी एल टू ओ सेवन को मैं करूँगा 4ClO2 प्लस 3O2। अब थोड़ा बात को समझो, इसका आपको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब थोड़ा बात को समझो, क्या मैं रेट को लिख सकता हूँ माइनस 1/2 डी ऑफ ClO2/dt और इसकी वैल्यू मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, K के बराबर कर सकता हूँ। क्या मुझे इस बात की इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है। तो इसका मतलब रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2K हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 50, तो ये हो जाएगा 100। क्या आ जाएगा, 100। आई बात समझ में सबको, नहीं है सॉरी माई मिस्टेक,
ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी 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 माई मिस्टेक। ठीक है, आपको रेट ही निकालना, के जाने दो, के की वैल्यू तो जो भी होगी, के हालांकि उसने मुझे के पूछा नहीं है, निकाल भी लोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, उसने रेट पूछा है, इसको मैंने डायरेक्ट इससे इक्वेट कर दिया। रेट का इक्वेशन क्या होता है, फिर इज इक्वल टू प्लस वन बाय फोर डी ऑफ सी एल ओ टू बाई, हालांकि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा रेट इसके वैल्यू से भी आ जाएगा क्योंकि माइनस वन बाय टू इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू ऑलरेडी मुझे कितने दी हुई है, ऑलरेडी मुझे दी हुई है 50, तो ये कितना हो जाएगा 25, क्या आ जाएगा रेट, कितना आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा। तो पहले मेरा तो आप समझ सकते हो कि रेट निकालना कितना आसान है। ठीक है, कुछ नहीं, इक्वेशन इक्वेट करो, ये वैल्यू तो चेंज करेगी नहीं, तो ये वैल्यू चेंज करेगी नहीं, तो आप डायरेक्ट इक्वेट करो और आंसर निकालो। ठीक है, तो ये मेरा पहला आंसर है, आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगे। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले इक्वेशन लिख दिया नॉर्मली जो हम लिखते थे, फिर मुझे डी ऑफ फोटो बाई डी टी किया, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, इक्वेट किया, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, प्रोडक्शन ऑफ फोटो आया। मुझे हाफ लाइफ टाइम निकालना, तो हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए आपको पहले रेट कॉन्स्टेंट निकालना पड़ेगा, तो रेट कॉन्स्टेंट करने के लिए मैंने इक्वेट कर दिया क्योंकि इसका पावर जीरो तो वन, और रेट की वैल्यू मैं डायरेक्ट इससे इक्वेट कर सकता हूँ, इन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट करिए। इस दोनों इक्वेशन से आपका सेकेंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। तो यहाँ से मैंने के की वैल्यू 50 निकाली और हाफ लाइफ निकाला, दूसरा मेरा क्या रेट कर दिया, तो बस आपका यहाँ स्टाइचोमेट्रिक चेंज होगा, ये वैल्यू तो एज इट इज जो है पहले वही बाद में भी रहेगी, ये वैल्यू चेंज करेगी नहीं, तो यहाँ से मैंने रेट निकाल दिया, तो ये 25 आ रहा मेरा। अब चौथा जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चौथा क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो Cl2O7 4 ऑफ Cl2O2 प्लस 3 ऑफ O2। ठीक है, जैसे मुझे पता t इक्वल टू 0 पे ये P0 था, तब 0 0, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे लेट इट बी P0 माइनस 2P, ये 4P हो जाएगा और ये 3P हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ, टोटल प्रेशर ही पूछा ना उसने, तो 7 मतलब P0 प्लस 5P हो जाएगा। ठीक है, अब P0 की वैल्यू पता है मुझे, बस P की वैल्यू नहीं पता है, तो P की वैल्यू के लिए क्या करूँगा, देखो ये मेरा PT है, और PT बराबर क्या होता है मेरा, अब आपको याद होगा फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी क्या होता है, P0 माइनस 2KT, ये फॉर्मूला होता है ना, AT बराबर A0 माइनस 2KT, तो PT बराबर क्या होगा, P0 माइनस 2KT, और ये भी मेरा PT का वैल्यू है, तो P0 माइनस 2P बराबर क्या होगा, P0 माइनस 2KT के बराबर कर सकता हूँ, P0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो P बराबर क्या आ जा रहा है, KT आ रहा है मेरा, तो इसका मतलब टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस 5P, तो P0 मेरा कितना दिया हुआ, इनिशियल प्रेशर 600 दिया हुआ है, प्लस 5 इंटू KT, K की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी चेंज की है मैंने, 50 निकाल दिया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 25 होगी, क्यों, क्योंकि R की वैल्यू किसके बराबर है, K के बराबर है ना, तो रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू कितनी होगी, 25, तो यहाँ पे आप 50 नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पे आप 25, क्योंकि आपका रिएक्शन, मैंने क्या बोला, स्टैचोमेट्री चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा और रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, तो ये जो 25 रेट का वैल्यू, तो वही के की भी तो वैल्यू होगी, क्योंकि आर बराबर के ए का पावर 0, ए का समथिंग का पावर 0 1, तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू 25, और टाइम कितना उसने 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आता है 1850 mm ऑफ HG। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो दिस वाज योर ओवरऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आई थिंक टाइम काफ़ी हो चुका है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें कल करेंगे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी कल हम फर्स्ट ऑर्डर पे करेंगे, थैंक यू।